What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 19th August 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:38 हो रहा है। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। हम लगातार निफ्टी इंडेक्स को एक बिटवीन द आवर्स एक स्लगी शो में साइडवेज पैटर्न में देख रहे हैं ट्रेड करते वक्त, और उसके बाद अपर या लोअर बैंड का एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है। तो काफ़ी FII का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है कुछ दिनों से, इसकी वजह से हमें एक साइडवेज पैटर्न बीच बीच में काफ़ी देर तक देखने को मिल रहा है। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं क्विकली। ये कल का पिक्चर है, यानी 18th August आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल का हमारा प्लान बन रहा था, ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,266 के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ सेकेंड टारगेट के ऊपर, और दो बार इसने यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करने के बाद बाउंस बैक दिखाया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता जो हमारा प्री मार्केट प्लान था, लेकिन लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते थे तो ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा था, काफ़ी देर तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा था 30-40 पॉइंट के बीच में। उसका अपर बैंड का ब्रेकआउट मिलने के बाद और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली थी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग कल कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो ट्रेडिंग फैब है एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है या फिर एंजल ब्रोकिंग। तो इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारा जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है, इन जस्ट चारों में से कोई एक, ये समझ लीजिए अगर आपको एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है। तो ये एक वेब पेज ओपन होगा, आपके डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने हैं और जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है और क्लियर है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी हम कंफर्म कर सके और आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का उसमें ऐड कर सके। तो ये था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली इंट्रो। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में भी तेजी देखने को मिली थी, 81 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स लगातार दो वीक से कमजोरी हमें दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार देखें तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 50 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 29 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, फिर से एक बार मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ये सपोर्ट का लाइन है जो कि 20 EMA का पिंक लाइन है। देखिए आप पास्ट में कैसे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो अभी अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट 20 EMA का होगा जो कि अभी अराउंड 10,850 के पास है, और ऊपर जाने के लिए इसे लास्ट मंथ भी आप देख सकते हैं ये जो बियरिश कैंडल का हाई है इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो लॉन्ग बियरिश कैंडल बना है इसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। इसी के पास ये रेजिस्टेंस फेस करता कर सकता है जो कि अभी अराउंड 11,433 के पास है इसका हाई। तो यहाँ पर एक हर्डल निफ्टी इंडेक्स फेस कर सकता है। अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो यहाँ से और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो आप देख सकते हैं ये जो 11,400 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है ये सबसे ज़्यादा 11,400 के पास बता रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हुआ डेटा 37,000 का है जो कि 11,500 के पास है। तो सबसे ज़्यादा हुआ डेटा अभी फिलहाल 11,400 है, तो ये एक मजबूत हर्डल हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। ये पार करना बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेकआउट दे देगा तो और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 11,300 के पास पुट ओआई डेटा सबसे ज़्यादा, यानी 11,300 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा।
तो ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस था। मंथली चार्ट में भी हमने देखा कि कहाँ पर लेवल्स आ रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो ये अभी लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है, उसको पकड़ के ये टूल ड्रॉ किया है। तो ऊपर यहाँ पर भी देखें तो 61.8% का लेवल ऑलमोस्ट 11,400 के पास आ रहा है। तो एक मेजर हर्डल होगा 11,400 का। तो अगर ये ब्रेक होता है निफ्टी इंडेक्स में और हमें तेजी देखने को मिल सकती है, और नेक्स्ट टारगेट 11,600 तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये था डेली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। निफ्टी इंडेक्स एक वेव में चल रहा है, हायर हाईज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, और ये यहाँ पर फिर से इसने हायर लोज बनाते हुए फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ यहाँ से जर्नी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था डेली चार्ट का सीनरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई यानी 11,402 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,421। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,440 के पास है। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स जैसे कि यहाँ पर एक हर्डल फेस कर रहा था, ये यहाँ पर आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये फिर सेकेंड टाइम, ये फिर थर्ड टाइम। तो इस लेवल के पास जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, हो सकता है अभी सपोर्ट टेस्ट करें। तो इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर देगा 11,364 को, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,346 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है, और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 11,322। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।